few moments later. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सो होंडा सिविक 10th जनरेशन इज सीरियसली वन ऑफ द फाइनेस्ट होंडाज सेडान्स एवर. और इससे पहले हमारे पास रीबॉर्न है, और रीबॉर्न से ऑब्वियसली रीबॉर्न वाज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स, लेकिन उसके बाद जब से ये आई है तो उसके बाद से बंदा रीबॉर्न का भूल जाता है. नॉट बिकॉज इसकी आउटलुक्स इतनी स्पोर्टी या इतनी एरोडायनामिक है, हर लिहाज से बड़ी फिट इन्होंने बनाई है, बहुत ही बड़ा अपग्रेड है लास्ट ईयर की जो रीबर्थ थी, लेकिन इसकी जो ड्राइव है ना सीरियसली वो मज़ा आ जाता है. जो इसकी स्मूथनेस है, जो कंट्रोल है हाईवे के ऊपर, ऐसा फील होता है कि लाइक गाड़ी जमी हुई. इसकी सस्पेंशन इन्होंने लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है. वो ये नहीं है कि हमें को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है, लेकिन अच्छा खासा डिफरेंस है नोइंग कि टायर्स इसके अपग्रेड किए हैं और इसके नाइट्रोजन डाली है, तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है. ये बेसिकली 1.8 वर्जन है, 1.8 cc हमें जो पड़ी थी 820 के 29 के राउंड. तो लविंग इट, एंजॉइंग इट. इंशाल्लाह और भी वीडियोस पे बनाऊंगा डिटेल्ड. बाबा से पूछते हैं ये बाबा क्या इसके बारे में क्या ख्याल है. रीबॉर्न से इम्प्रूवमेंट इसकी इसकी रोड ग्रिप उससे बेहतर है. फैसिलिटी होने की वजह से प्रोज भी हैं. कौन भी आपको फॉरन पावर चाहिए होती थी तो रीबॉर्न जो है वो इमीडिएट पावर आपको देती है, लेकिन एट ए स्लाइटली लॉन्गर टर्म एंड लॉन्गर रन जो सीवीटी है वो उससे एज ले जाती है. इसके व्हील साइज़ बड़ा है, इसके व्हील साइज़ वाइडनिंग ज़्यादा है, उसकी वजह से फिर इसके अंदर स्टेबिलिटी कंट्रोल है, स्टेबिलिटी कंट्रोल असिस्ट है, उसकी वजह से उसमें क्या होता है स्टेबिलिटी कंट्रोल असिस्ट में उसी होता है कि स्किड पे करती गाड़ी जो है, अगर वो रोड पे करती तो हेल्प करती है उसकी उसको बैलेंस रखने में, उसको स्टेबल रखने में उसको हेल्प करती है. इस पर बेहतर है. अच्छा, आपको क्या एवरेज इस्लामाबाद हाईवे पे देती है? इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर इसकी एवरेज, अगर केयरफुल ड्राइव रखे इसकी एवरेज 12 से 13 जो है वो मिल जाती है इतनी. हाँ जी. और अगर सिग्नल वगैरह ज़्यादा हो स्टॉप पर वो इसलिए उन सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने तो रीबॉर्न के ऊपर आपको बताया ना कि रीबॉर्न जो है वो सेम रोड के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली सेम कंडीशन में वो इससे कम एवरेज देती है. वो कितनी देती थी आपके टाइम? वो तकरीबन आप कह लें कि 9 to 10 की एवरेज वो देती है. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्री है, वो उससे ज़्यादा इम्प्रूवड है. और आपको स्टेबिलिटी वाइज, हालांकि रीबॉर्न भी काफ़ी स्टेबल है उससे कंपेयर करें तो ये व्हील और टायर साइज जितना ज़्यादा वाइड होगा ना उतनी स्टेबिलिटी बेहतर होगी. तो फिर ये मेरा ख्याल है कि इसके नीचे से क्लियरेंस तो ऑलमोस्ट इक्वली होगी. डैशबोर्ड की फैसिलिटीज ऑलमोस्ट ऐसी हैं. अच्छा, ये जो इसकी जो सस्पेंशन है वो आपको उसको ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है? इसकी सस्पेंशन जो है उसके निस्बत सॉफ्ट है. अच्छा जी. अच्छा, आप इसके टायर्स के अंदर नाइट्रोजन डलवाते हैं ना? हाँ, वो मैंने स्टार्ट में इसलिए भी डलवाई थी कि वो गर्मियाँ थी और गर्मी के अंदर अगर नाइट्रोजन आप डलवाते हैं, नए आपके टायर्स हैं, वो आपको उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपकी टायर गर्म कम होते हैं, स्पेशली लॉन्गर रन. डिगी साइज का बेहतर है. हाँ, डिस्की होगा वाकई में, डिगी का अच्छी खासी स्पेस है साइज का. बाकी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे अगर इसकी की अंदर रह जाए तो लॉक नहीं होती. अगर आपके पास की मौजूद है तो कीलेस ऑपरेशन आप हो सकता है. आप जो ट्रंक है इसकी डिगी विदाउट की आप उसे ओपन कर सकते हैं. फीचर्स काफ़ी हैं, बड़ी रिमार्केबल फैसिलिटीज है. खास तौर पे की का अंदर रह जाना जो है, बहुत दफ़ा क्या होता है आपके पास मार्केट में आप होते हो, आपके हाथों में शॉपर होते हैं, तो वो आपको फिर की निकालनी नहीं पड़ती है. अगर पॉकेट में है तो खुद ही खोल लो. बहुत एडवांटेज है कि अगर किसी ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क्ड है जहाँ पर बहुत सन है, तो अंदर से बहुत हीटअप हो जाती है, तो आप दूर से ही इसके तमाम जो विंडोज हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं. वो कैसे? वो उसके बटन ही ऑप्शन है? नहीं, उसकी की है ना, उसकी अच्छा वो नीचे चले जाते हैं से जो उसका A few moments later. Hey guys, finally हमारे बाल बैठ गए हैं. guys, ये तो लैंडमार्क सीजन हो गया. पॉइंट्स आपके सॉलिड है, एक्सेलेंस आपने कुछ फॉरवर्ड कर दिए, आप लोग भी दोबारा.
तो हम उठ गए हैं और अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अम्मा? चाल है इसका कैमरा किधर है? कैमरा ये आपने इधर देख रही होती हूँ, मुझे ये समझ आपने इधर देखना है स्क्रीन की। आपने क्या नाश्ता किया? वन बॉयल एग एंड चाय एंड मिल्क, हाफ मिल्क हाफ टी। ये हाथ आप कैसे क्यों हो रहा है? और दो तीन लुक में बाबा से बटर और पराठे के साथ। अच्छा, चूरी की शक्ल में। चूरी का ये वाला नहीं, नहीं वैसे मतलब कर लेते हैं मैं। अच्छा, ये आप क्या देख रही हैं? मैं बात, मैं तो देख रही हूँ ट्रीट एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस नेचुरली। गाइस, मामा को, मामा का ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी बोन की डेंसिटी बहुत वीक हो जाती है। और वीक इसलिए हुई है क्योंकि, क्यों वीक हुई है मामा? वीक बस अब डाइट ही इम्प्रूव करनी होती है, जो हम लोगों को समझ नहीं होती कि जंक फूड ना लें कुछ भी। मेजरली ऑर्गेनिक स्टीरॉइड्स की वजह से मामा। हाँ, स्टीरॉइड्स तो काम ज़्यादा खराब। मामा की एलर्जी की वजह से मामा ने 1-1.5 साल स्टीरॉइड्स खाए, उसकी वजह से मामा की बोन डेंसिटी वीक हो गई। तो अब उसके लिए मामा पढ़ रही हैं। सी YouTube एंड Google हैज़ everything if you guys want it। आप जाके अपनी अपनी हेल्थ फील्ड के हिसाब से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आज की इंस्पायरेशन आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जिस चीज़ से मैं इंस्पायर हो गया हूँ। भाई देखें, मैं रेगुलर व्लॉगिंग तो कर ही रहा हूँ, आज 11th वीडियो होगी ये रेगुलर व्लॉगिंग की। लेकिन एक इंडियन व्लॉगर है, आप सबको पता ही होगा, निखिल के नाम से, 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। तो और इस तरह के बहुत सारे और व्लॉगर्स हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं अपने काम में। सी, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके डे में क्या हो रहा है, ठीक है, आप उठो, यूज़ करिए, नहीं यार ये होगा तो वो होगा तो परफेक्ट कैमरा होगा, जस्ट मेक इट। एक ये निखिल और दूसरा वो जो बंदा है ना एडम साले, ये दो बंदों को मैं काफ़ी अच्छे से देख रहा था। निखिल को भी मैंने रिसेंटली देखना स्टार्ट किया है। और इनकी आप वर्क एथिक देखें, कोई डे मिस नहीं होगा। इससे चीज़ क्या शो होती है कि जो भी फेमस व्लॉगर हैं जो कि मिलियन जिन्होंने क्रॉस की है या फिर इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी वर्क एथिक होती है। वर्क एथिक मींस कि आप कंसिस्टेंट हो इन व्हाट यू डू। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर वीडियो दुनिया की बेस्ट एडिटेड वीडियो, बट यू हैव टू पुट द कंटेंट आउट। और ये हम आज करने लगे हैं, ठीक है, ये चेक करें भाई। अभी ये चीज़ की भी आपके सामने उल्टी कैसे हो गई है? और ये बेसिकली व्लॉगर ही बनेगी बड़े होकर मुझे लगता है, क्योंकि ये किस तरह कैमरे में देखना आ गया मेरी जानी का। जानी कैमरे में देखना आ गया आपको? आप सबने भाई क्या नाश्ता किया है? और हम अभी क्या नाश्ता करेंगे? हुस्ना तो अपना दूध पिएगी, हुस्ना के बाबा खाएंगे अंडा और पराठा। आप न थक, क्या हुआ? नहीं मैं तो हेल्प ही करूँगा। कोई बात नहीं, अभी हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। ओ क्यों हो गया? चन्नू मनु। अब ये बेसिकली आप लोगों को पकड़ने आ रही है, बिकॉज़ शी वांट्स द मोबाइल। Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the